गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में एक और नए व्लॉग के साथ। तो अपनी वाली पैनली मतलब पैनली 600i जो मेरा 2017 मॉडल है, इसमें M4 वाले एग्जॉस्ट लगे, हालांकि ये ओरिजिनल नहीं है, रेप्लिका है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। और यही बगल में अपनी पैनली 600i खड़ी है, 2019 की गाड़ी है और इसके अंदर लगे एक्सेल 55। तो एक छोटा सा ना आज कंपैरिजन करेंगे कि पैनली 600i के लिए, क्योंकि अगर आप गूगल पर सर्च वगैरह करते हो ना तो उसमें दो ऑप्शन निकल के आते हैं, M4 भी निकल के आता है आपके लिए, टॉस का एग्जॉस्ट है वो भी निकल के आता है, और एक आता है अपना एक्सेल का। आप चाहे तो 60 लगा सकते हो या 55, दोनों लगा सकते हो। 60 और 55 में थोड़ा सा बेस और साउंड का थोड़ा सा फर्क है, वो कभी अगर 60 वाला अगर एग्जॉस्ट वाली मेरे को पैनली मिली तो मैं कंपैरिजन आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आज एक छोटा सा ना साउंड कंपैरिजन करेंगे कि जिन लोगों के पास पैनली 600i है या जो लोग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको कैसा साउंड मिलने वाला है इस गाड़ी से। तो जो लोग गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं ना पैनली और इनलाइन 4, आप सब लोगों को पता है सबसे सस्ती आती है इनलाइन 4, यही है जो आपको पूरा एकदम इनलाइन 4 वाला मजा देगी, पूरा सुपर बाइक वाला फील देगी, रिएक्शन इवन पूरे आपको सुपर बाइक वाले मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि लोग कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी लूंगा तो मैं ऐसे ऐसे मोड कराऊंगा या ऐसे ऐसे एग्जॉस्ट लगाऊंगा, तो उसी चीज़ को कवर अप करने के लिए एक छोटा सा एक वीडियो बना देता हूँ जिससे आपको डिफाइन हो जाएगा कि M4 बढ़िया है या एक्सेल बढ़िया है या कौन सा ज़्यादा लाउड है और दोनों में अंतर क्या है। अभी देख नॉर्मल खड़ा करके आइडल सुना देते हैं, उसके बाद एक छोटा सा फ्लाई बाय आते और जाते दोनों दिखा देंगे, तो आप लोगों को एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। पहले इसको आइडल पे देखते हैं, आइडल पे एक ऐसा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जब तक इसकी मोटर बंद ना हो जाए ना भाई तब तक इसको सेल्फ नहीं मारना है, इस गाड़ी के साथ नहीं हर गाड़ी के साथ। ज़्यादा है साउंड कम है, इट मीन्स साउंड बहुत सही है पर इसके मुकाबले आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कितना कम है। गियर में होगी पैनली की भाई यही खासियत है, बहुत देर तक चलता है इसका वो अंत लेवल की लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड है। पर हाँ बेस थोड़ा सा इसके अंदर कम है, बेस अगर 60 आप लेते हो ना तो 60 में आपको बेस थोड़ा ज्यादा मिलेगा, साउंड थोड़ा ज्यादा मिलेगा, पर 55 में ना बेस हल्का सा कम है, लाउड बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सट्रीम लाउड है। और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन बहुत बढ़िया मिल जाता है भाई, दिखाना वो कहाँ है आपका डीबी किलर, वहाँ है डीबी किलर, जस्ट अभी वीडियो बनाने के लिए हमने निकाला है, वरना अगर आप सिटी वगैरह में चलते हो ना तो डीबी किलर के साथ बहुत ज़्यादा साउंड चलती है, तो इसमें वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं। आपको बहुत ज़्यादा लाउड चाहिए ना, और कंपनी रिकमेंड भी करती है एक्सेल और M4 अपने टॉस के जो एग्जॉस्ट आते हैं वो सारे रिकमेंड करती है। अब एक छोटा सा फ्लाई बाय देख लेते हैं कि फ्लाई बाय में जाते समय या आते समय गाड़ी एक्चुअल में कैसी लगती है, तो आप लोगों को वो भी डिफाइन हो जाएगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों की अच्छी खासी बढ़ती है एग्जॉस्ट लगाने के बाद, भले वो कोई सी भी कंपनी को, पर हाँ अगर मैं साउंड की बात करूँ तो मेरे को इसके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अपनी गाड़ी से, क्योंकि लाउड है ना, मेरे को लाउड ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट चला के आप लोगों को मैं एक छोटा सा फ्लाई बाय दे देता हूँ। तो भाई पहले मैं जा रहा हूँ, इसमें M4 का एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो इसका फ्लाई बाय देख लेते हैं, नॉटी हो रहा है नॉटी, तो इसका देख लेते हैं जाते समय कैसा लगता है मामला। हेलमेट ऑलवेज भी है, होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कैसा साउंड आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। और मेरी M4 बोरी भाई की क्या नाम है एक्सेल 55,
तो देख लेना भाई, दोनों कंपेयर कर लेना और बताना आप लोगों को किसका साउंड बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा। और पर्सनली अगर आप लोगों को लाउड चाहिए तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। और आपको बहुत ज़्यादा बेस चाहिए ना, बेस का एक फ़ायदा हो जाता है कि साउंड अगर आप लॉन्ग ट्रिप पर जाते हो ना तो वो ज़्यादा देर तक आपको अनोइंग नहीं करेगा, बेस से आपको थ्रिल आएगा और थोड़ा सा पंच आएगा। बाकी वीडियो को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।